कहते हैं कि किस्मत इंसान को तरह तरह के रंग दिखाती है। IAS बनने के लिए छोड़ी थी HR मैनेजर की नौकरी, डिप्रेशन में आकर घर छोड़ा और बन गई कूड़ा बीनने वाली। क्या है ये पूरी खबर, क्या है ये रिपोर्ट, क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो तेलंगाना की रहने वाली है। 23 जुलाई को वो एक अजीब सी हालत में गोरखपुर के तिवारीपुर थाने के पास मिली। जुलाई की प्रचंड गर्मी में उसके शरीर पर 8 सेट कपड़े थे। वो कूड़ेदान के पास फेंके हुए सूखे चावल बीन कर खा रही थी। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोगों पर तनाव इतना हावी हो जाता है कि इसे आप सोच समझ भी नहीं सकते। दोस्तों, हैदराबाद की एक लड़की ने पहले तो IAS बनने का सपना लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी HR मैनेजर की नौकरी छोड़ दी। फिर सालों तक मेहनत करने लगी और IAS क्लियर कर नहीं पाई तो आ गई डिप्रेशन में। ये डिप्रेशन उसके दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में भर गया। जी हाँ, ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब वो कूड़ा बीनने वाली बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8 महीने पहले उसने घर छोड़ा और अब मांगते खाते भटकते हुए करीब 1500 किलोमीटर दूर गोरखपुर पहुंच गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जानकारी के हिसाब से इस लड़की का नाम रजनी है, ये तेलंगाना की रहने वाली है और इसके शरीर पर जब ये मिली तो 8 सेट कपड़े थे। वो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलती थी और सिपाहियों ने जब उसे देखा तो वो टूटी फूटी हिंदी भी बोल रही थी। पुलिस वालों ने उसे मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन के सुपुर्द किया, जहां 3 महीने उसका इलाज चला। फिर वो कुछ नॉर्मल हुई तब उसने अपने परिवार के बारे में बताया। उसने 2000 में MBA की फर्स्ट डिवीजन से पढ़ाई की थी और पास भी की थी। वो सिर्फ IAS बनना चाहती थी। उसने 2 बार परीक्षा दी लेकिन नाकामयाब हुई और धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से बचने के लिए उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR की जॉब भी शुरू की थी, लेकिन वो निकल नहीं पाई और अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो गई। अब उसके पिता उसे लेकर वापस जाने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या कहेंगे इस तरह की खबरों के बारे में, इस तरह की डिप्रेशन के बारे में? घर वालों को जैसे ही मालूम चले कि बच्चा डिप्रेशन में है, उसका इलाज जरूर करवाएं। धन्यवाद।